आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम अल्फाबेट वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मैनी अल्फा बेट हाउ मैनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश। हाउ मैनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं? जब हम यह प्रश्न पूछते हैं तो एकाएक उत्तर मिलता है 26, लेकिन ये गलत। द करेक्ट आंसर इज 26 नहीं, द करेक्ट आंसर इज 1। यानी इंग्लिश या किसी भी वर्णमाला में जो वर्णमाला शब्द है, वर्ड है, अल्फाबेट, ये एक शब्द है जिसका अर्थ वर्णमाला होता है। ये केवल मात्र एक शब्द है। तो पहले हम जानेंगे कि अल्फाबेट क्या है। तो अल्फाबेट वर्णमाला, वर्णमाला वर्णधनमाला, वर्णधन माला अर्थात अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी हमने पढ़ा कि हाउ मैनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने वर्णमाला होते हैं। तो इंग्लिश में केवल या किसी भी भाषा में कि या वर्णमाला में केवल वर्णमाला एक ही होता है। किसी भी भाषा में का वर्णमाला केवल एक होता है, क्योंकि वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे हम फूल को लेते हैं और उसे किसी तागे में पिरोते हैं तब उसे फूल की माला कहते हैं, वैसे ही जब हम अक्षरों का समूह करें, अक्षरों को समूह में रखें, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्फाबेट, अब अल्फा अल्फाबेट्स, अब हमने यहाँ लिखा अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स मिस वर्णमाला नहीं होता है, भाषाएं होती हैं। जैसे अल्फाबेट मिस भाषाएं, जैसे सैंड मिस बालू, सैंड्स रेगिस्तान, रेगिस्तान गुड, गुड मिस अच्छा, गुड्स मिस वस्तुएं, वाटर पानी, वाटर्स मिस जलाशय, जलाशय या तरंगे
वुड मिस, वुड मिस लकड़ी, वुड्स मिस जंगल, गुड मिस अच्छा, गुड्स मिस वस्तुएं, गुड मिस अच्छा, गुड्स मिस वस्तुएं, वाटर मिस पानी, वाटर्स मिस जलाशय या तरंगे, वुड मिस लकड़ी, वुड्स मिस जंगल। अब जब हम अल्फाबेट का अध्ययन करते हैं तो इसमें बण शब्द आता है, बण मिस होता है अक्षर। अब जब हम अक्षर पर जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले साउंड्स आता है, ध्वनि। अब मुंह से निकलने वाले स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज, मुख द्वारा निकलने वाली मुख द्वारा निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। आप हमारा प्रश्न है हाउ मैनी साउंड्स How many sounds are there in English? तब हमारा उत्तर, there are 44 sounds इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 44 ध्वनियाँ होती हैं, ट्वेंटी वाइबल साउंड्स, ट्वेंटी वाइबल साउंड्स एंड 24 consonants। ट्वेंटी वाइबल साउंड्स होते हैं और 24 consonant साउंड्स होते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पाते हैं कि 26 अक्षर होते हैं लेकिन ध्वनियाँ 44 होती है। जैसे एक ध्वनि का उदाहरण हम देख लें, ये इसे ये कहते हैं, ये अगर किसी वाक्य में स्वतंत्र होकर
होकर आता है या अर्थात अकेला आता है, अर्थात अकेला आता है तब इसे से आ ध्वनि से पुकारते हैं। अगर यह शब्दों के बीच में है, अगर यह शब्दों के बीच में है, में है तो आ ये आदि ध्वनियों का चारण करेगा होगा आ ध्वनियों का उच्चारण देता है। ये कार आया, मार आया तो ये आ का उच्चारण दिया, लेकिन यहाँ पर कैट मैट यहाँ आय का उच्चारण देता है, इसी प्रकार ये का उच्चारण होता है। अब हम लेटर्स पर जाएंगे, वर्ण पर। लेटर्स वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी इटीसी। अब हम पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, अब जैसा कि लिखा है, पार्ट्स माने होता है भाग या भेद, आप माने का अल्फाबेट्स मिस वर्णमाला का, वर्णमाला के भाग वर्णमाला के भाग। तो दियर आर टू पार्ट्स इन अल्फाबेट, दियर आर टू पार्ट्स इन अल्फाबेट। नंबर एक वॉवेल्स, नंबर दो कंसोनेंट, देयर आर टू पार्ट्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, वॉवेल स्वर कंसोनेंट्स व्यंजन। अब हम वॉवेल स्वर देखेंगे। वह लेटर्स
जिनका उच्चारण वह लेटर्स जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य पण के किया जा सके। वह लेटर्स जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के किया जा सके। स्वर वावेल्स कहलाती, वावेल्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वह लेटर्स जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, वह लेटर्स जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो अर्थात जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षरों का मदद न लिया जाए उसे स्वर कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। देयर आर फाइव वावेल्स इन इंग्लिश। ये ई आई वो तथा यू 5। नंबर 2 कंसोनेंट्स। व्यंजन वह लेटर्स वह जिनका जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाए या ली जाती है कंसोनेंट्स कहलाते हैं। कहलाते देयर आर 21 लेटर्स इन इंग्लिश। ये हैं, ये को छोड़ देंगे, बी सी डी ई को छोड़ देंगे, एफ जी एच आई को छोड़ देंगे, जे के एल एम एन ओ को छोड़ देंगे, पी क्यू आर एस टी यू को छोड़ देंगे, वी डब्लू एक्स वाई जेड। इस प्रकार 21 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार हम पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स में पढ़ा कि दो भाग वर्णमाला के दो भाग होते हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने अल्फाबेट्स के 3 भाग बताए हैं, तो हम यहाँ पर तीसरा भाग भी देख लें। तीसरा भाग है सेमी वावेल्स। वावेल्स उपस्वर
उपस्वर, उप में छोटा, स्वर तो आपको बताया ही जा चुका है। तो उपस्वर का परिभाषा देखें, वह लेटर्स जो वह लेटर्स जो किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर अंत में प्रयुक्त होकर स्वर का कार्य करें उन्हें उपस्वर There are two semi vowels in English. W तथा Y। अब देखिए W और Y हमारा परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। जो है वह लेटर्स जो किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर स्वर का कार्य करें उन्हें उपस्वर कहते हैं। अब W से बनने वाले कोई शब्द लें तो W से बनने वाले शब्द लिया तो वर्क। अब देखिए जब ये शब्द के पहले प्रयुक्त हुआ है तो यह व का उच्चारण देता है वर्क। या दूसरा वाज, व का उच्चारण देता है। लेकिन यह जब किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है, शब्द के अंत W शब्द के अंत में जब प्रयुक्त होता है W जब जब शब्द शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है तब देखें कैसा उच्चारण देता है। हाऊ। आप देखिए ये ऊ का उच्चारण देता है। नाऊ। ऊ का उच्चारण देता है। काऊ। ऐसे हम वाई का देखते हैं। अब वाई का देखें तो वाई जब शब्द के पहले प्रयुक्त होता है जैसे यू, तब यह यू का उच्चारण देता है। योर, देखिए योर, लेकिन बाद में जब प्रयुक्त होता है तो देखें बाद में प्रयुक्त होने पर फ्लाई, क्राई, ट्राई, माई, स्काई, यानी यह ई का उच्चारण देने लगता है। इसलिए W तथा वाई उपस्वर कहलाते हैं। अगर यह हमारा यह वीडियो आपको
पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।